जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपको बताऊंगा वो एक सावर मंत्र है। और सावर मंत्रों की दुनिया तो एक अलग ही दुनिया है उनकी, क्योंकि सावर मंत्र बहुत तीव्र और सटीक वार करने वाले होते हैं, चाहे कोई सा भी सावर मंत्र हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सावर मंत्रों में आन दी जाती है, तो इसलिए सावर मंत्र नहीं करने चाहिए। देखिए, वैदिक मंत्रों में भी कुछ ऐसा होता है कि आपको बहुत कुछ ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं कि देवता को आने के लिए मजबूर करना पड़ता है। वहां भी कुछ कीलन करने पड़ते हैं, कुछ बंधन करने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं सिद्धि आपको प्राप्त हो पाती है। लेकिन सावर मंत्रों में तो प्रत्येक में ही कीलन बंधन सब कुछ दिया होता है, तो इसलिए सावर मंत्र तीव्र भी होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। तो देखिए, मैं आपको ऐसा ही एक सावर मंत्र यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो अगर पेड़ होता है ना, जो वृक्ष होता है, वो वृक्ष अगर सूख जाए, मतलब कि या तो वृक्ष सूख रहा हो या फिर वृक्ष सूख गया हो और उसका सूखा हुआ ठूंठ जो खड़ा रहता है वो खड़ा हो, तो ऐसे वृक्ष को दोबारा से हरा भरा करने का सावर मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, अब ये ना समझे कि भाई सूखा वृक्ष है, कैसे होगा हरा भरा, कैसे नहीं होगा। तो देखिए, जहां ऐसी सोच आ जाती है वहां पर साधना में सफलता मिलना संदेह हो जाता है, और सफलता मिलती भी नहीं है। क्योंकि कहते ना कि विश्वास में ही भगवान है। अगर विश्वास है आपको तो फिर सब कुछ ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर कहीं भी कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको विश्वास करके तो चलना होगा। जब तक पूर्ण दृढ़ विश्वास नहीं होगा हर चीज में, जो साधना आप कर रहे हो उसमें फिर सफलता जल्दी से नहीं मिलती है, सफलता मिलने में संदेह हो जाता है। तो 100% विश्वास करके चलो। तो देखिए, जैसे कि कुछ पेड़ होते हैं, चंदन का होता है, सागौन के या शीशम के, या कुछ वृक्ष जो होते हैं वो इतने अधिक मूल्यवान भी होते हैं, तो आप सभी चाहते हैं कि ये पेड़ जो है हरे भरे रहें। या कोई फलदार वृक्ष है, आम का पेड़ है, कहीं लगा हुआ है और धीरे धीरे वो सूखता जा रहा है पेड़। तो अब पेड़ कब सूखता है, इसमें भी कारण हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि जो मूठ लोग मारते हैं, जो मंत्र होता है, जैसे मान लिया कि किसी ने मूठ छोड़ने का मंत्र सिद्ध किया, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, पेड़ पर मूठ का प्रयोग करेगा उसको आजमाने के लिए। और जिस पेड़ पर मूठ शक्ति का प्रयोग किया जाएगा वो पेड़ सूखता चला जाएगा और लास्ट में वो सूख करके गिर जाएगा। तो मूठ का प्रभाव के कारण ही वो ऐसा होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लिया कि आपका पेड़ है और किसी ने फलदार वृक्ष है या फिर कोई ऐसा वृक्ष है जिसकी कीमत ज्यादा है, और किसी दुश्मन ने उस पेड़ पर मूठ का प्रयोग कर दिया तो वो पेड़ सूखता चला जाता है। तो ऐसे ही पेड़ को दोबारा से हरा भरा करने का जो साबर मंत्र है वही मैं आपको बताने वाला हूं। और ये समय से पहले सूखता है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे ही सूखेगा, और जब हरा होगा पेड़ तो धीरे धीरे ही होगा। तो देखिए, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा ये एक अघोर मंत्र है जो ये सिद्ध आपको करना है। तो इस मंत्र का 11,000 की संख्या में जाप होना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। मतलब कि 11,000 तो आपको जाप करना ही करना है। अब अगर आप इसको और भी शक्तिशाली करना चाहते हो तो इस मंत्र का 1,25,000 की संख्या में आपको जाप करना चाहिए, अगर तीव्रता के साथ, मतलब कि एक चमत्कारी सिद्धि चाहते हो, तो फिर आपको ये
1,25,000 की संख्या में जाप करना चाहिए, अन्यथा 11,000 की संख्या में जाप करने से सिद्ध तो हो ही जाएगा ये। तो देखिए आपको क्या करना है कि कहीं पर भी और किसी भी दिन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसमें कि आप सोमवार को करें, मंगलवार को करें या रविवार को करें, पर हाँ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि रवि पुष्य योग होता है उसमें साधना शुरू करें, या रविवार को साधना शुरू करें या मंगलवार को, क्योंकि ज़्यादातर जो साबर मंत्रों की साधनाएं वो रविवार, मंगलवार या फिर सर्वार्थ सिद्धि योग होता है उसमें शुरू की जाती हैं, या रवि पुष्य योग होता है उसमें भी शुरू की जा सकती हैं, या शिवरात्रि, होली, दीपावली, ग्रहण, इन पर सिद्ध किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि कहीं पर भी एक दीपक जलाएं और एक धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो जलाएं, और गुरु जी का पूजन, एक छोटा सा पूजन कर लें। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मंत्र जाप इसमें प्रमुख है। तो गुरु जी का छोटा सा पूजन करें और गुरुदेव से आज्ञा लें कि गुरुदेव मैं ये मंत्र साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। अगर गुरु आपके भगवान शिव हैं, मतलब कि आपने, आपके गुरु कोई नहीं है और आपने भगवान को गुरु माना है शिव को, तो फिर आप भगवान शिव की ही पूजा करेंगे उसी प्रकार से, और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। ठीक है, जब आप इतना कर लेंगे तो इसके बाद आपको जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उस मंत्र का 21 बार जाप करना है, क्योंकि कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करते हैं तो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का कम से कम 21 बार जाप कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके जाप करने से साधना सरल हो जाती है और साधना में सफलता भी मिलती है। तो वो मंत्र इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूँ। गुरु षठ, गुरु षठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन नाव करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। तो इस मंत्र का 21 बार जाप जरूर करें। और देखिए ये साधना किसी भी आसन पर बैठ के कर सकते हैं, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके कर सकते हैं, कैसा भी कपड़ा आपने पहना हो, कोई जरूरी नहीं है कि धोती बांधनी जरूरी है या फिर लंगोट लगाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप इस साधना को कर सकते हो, कैसा भी कपड़ा आपकी चौकी पर बिछा हुआ हो। रही पूजन की बात, तो पूजन तो नॉर्मल जो पूजन आप करते हैं उसी तरीके से आप पूजन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। ठीक है, और साधना दिन में करो या रात्रि में करो, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कभी भी इस साधना को शुरू कर सकते हो। और इसमें जो आपको साधना के लिए जो माला चाहिए वो रुद्राक्ष की साबरी मंत्रों से जो सिद्ध माला होती है वो होनी चाहिए, और उस माला के लिए मैंने आपको कितनी बार पिछली वीडियो में भी बताया है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप करके आप वो माला प्राप्त कर सकते हैं। और उस माला से आप कितने भी, जितने भी साबर मंत्र सिद्ध करना चाहो केवल एक ही माला से कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी माला आप प्राप्त कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, तो उस माला से आपको ये मंत्र जाप करना है। और देखिए ये एक अघोर मंत्र है, तो इस मंत्र में बहुत ही शक्तिशाली तो है ही मंत्र ये, और रुद्राक्ष की माला से जो आपको जाप शुरू करना है वो किस मंत्र का आपको जाप करना है, मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु को अघोर अघोर महा अघोर, अजर अघोर वजर अघोर, अंड अघोर पिंड अघोर, शिव अघोर संगति अघोर, चंद अघोर सूरज अघोर, पवन अघोर पानी अघोर, जमी अघोर आकाश अघोर, अनादि पुरुष भूजंत हो अलील,
ए घट पिंड का रखवाला, जल में न डूबना, अगन में न बलना, सहस्र धारा न कटना, जमीन के पेट होय लिप जाना, सूखा रूख हरिया होना, ओम अघोर मंत्र सोहम। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है रुद्राक्ष की माला से, और इस मंत्र को मैं लिख करके दे दूंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि देखिए, जब मैं मंत्र को बोलता हूँ तो बोलने में और जो लिखा होता है उसमें थोड़ा सा मतलब कि आपको लगेगा कि मैंने बोला कुछ है, जैसे कि को बोला, तो आपको लगेगा कि को बोला या कू बोला, तो इसमें आप संदेह ना करें, जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार जपें, ठीक है। और बोलने में और लिखने में थोड़ा सा अंतर आता है, क्योंकि आपके सामने खड़ा होकर के मैं वैसे बोलता तो ठीक है, लेकिन अब मैं वीडियो में बोल रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा बोलने में और सुनने में थोड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें कोई अंतर ना समझे, जो मैं लिख करके दूंगा वो ठीक होगा। और इस मंत्र का आपको 11,000 की संख्या में जाप करना है, और देखिए ये प्रतिदिन करना है आपको। अब 11,000 आप कितने दिन में मंत्र पूरे कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, कि आप 21 दिन में करते हैं, 11 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, या 31 दिन में करते हैं। तो जब आपके 11,000 मंत्र जाप पूरे हो जाएं, उसके बाद ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। और आप चाहें तो 108 मंत्रों से हवन भी कर सकते हैं, सामग्री ला करके आम की लकड़ियां जला करके मंत्र बोलते हुए इसका 108 मंत्रों से हवन कर लें लास्ट में, तो मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और देखिए, जो मैंने आपको तरीका बताया है ना पूजन का, वो पूजन का तरीका आपको प्रतिदिन करना है, मतलब गुरु जी का पूजन भी प्रतिदिन करना है, सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप भी प्रतिदिन करना है, और मंत्र जाप तो करना ही करना है। तो जब ये मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सूखा हुआ वृक्ष है, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसके पास जाकर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं उस वक्त, और एक कांसे का प्याला ले लें या लोटा ले लें, या बेला हो, कांसे का कुछ भी हो, मतलब बर्तन होना चाहिए, उसमें पानी भर लें, ठीक है, कांसे के बर्तन में, और इस मंत्र को 9 बार पढ़ करके पानी पर फूंक मारें और वृक्ष के चारों तरफ छिड़क दें इसको, ठीक है, वृक्ष के ऊपर भी छिड़क दें और उसकी जड़ में भी, मतलब कि चारों तरफ इसको आप छिड़क दें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में वृक्ष जो वो हरा भरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मंत्र छिड़का और एकदम से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पागल लोग ऐसा सोचते भी हैं, तो इसलिए इतनी तीव्रता के साथ तो नहीं होगा खैर, लेकिन धीरे धीरे उस पेड़ में जान आना शुरू हो जाएगी, और अगर किसी ने उस पर मूठ का प्रयोग किया है तो वो मूठ का प्रयोग भी हट जाएगा, और ये पेड़ जो है पूर्ण रूप से हरा भरा हो जाएगा, और वो पेड़ सुचारू रूप से फिर बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इसमें एक परोपकार का कार्य भी है। परोपकार का कार्य ऐसा कि आपने किसी को जीवन दान दिया है, पेड़ में भी तो जीव होता है ना, तो इसलिए अगर आपने उसको हरा भरा किया है तो उसमें आपने पेड़ को जीवन दान दिया है, तो इस मंत्र का प्रयोग करने से कभी भी आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा, उल्टे आपको इसका आपको लाभ ही प्राप्त होगा, इसका पुण्य ही मिलेगा आपको। अगर आप कहीं पर ऐसा कार्य करते हैं ना, तो उसका पुण्य मिलेगा, और बहुत बड़ा पुण्य मिलता है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करें। अब साधना आप चाहे 21 दिन में करें पूरी या 31 दिन में करें, देखिए वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साधना में जब एक समय जाप करना है, ऐसा नहीं कि आज 7 बजे कर लिया कल को 9 बजे शुरू करें, ऐसा नहीं।
7 बजे जाप शुरू किया पहले दिन, तो प्रतिदिन उसी टाइम पर जाप शुरू करना है। साधना के नियमों से करें साधना को, और जो पूरी साधना के अंदर आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, जो भी मतलब साधनाओं में जो पालन होते हैं वही साधनाओं के पालन इस मंत्र को साधने में भी करने होंगे, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं कि इस मंत्र को या किसी भी सावर मंत्र को, जो भी आपने सावर मंत्र सिद्ध किए हैं, उनको ग्रहण काल में एक एक माला का जाप आपको करते रहना चाहिए। जैसे कि होली दीपावली आ जाती है तो वहां पर भी आपको उस दिन एक माला का जाप अपने प्रत्येक सावर मंत्र का आपको करना चाहिए, जिससे कि उसमें और शक्ति आ जाती है और ज़्यादा पावरफुल होता है वो। क्योंकि इन दिनों में ग्रहण हो गया जैसे, तो उनमें क्या होता है कि इनमें एक विशेष जो एक वातावरण होता है और उसमें बहुत तीव्रता के साथ में उस मंत्र के अंदर शक्ति संजोई जाती है। और इसीलिए इस काल में जो मंत्र होते हैं वो मंत्र तीव्रता के साथ में सिद्ध भी होते हैं। तो इसलिए जरूर आपको जो भी आपके मंत्र हैं उनका जाप आपको रिपीट करने चाहिए वो ग्रहण काल में, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।